हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सभी यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग के जो फर्स्ट सेम के एग्जाम थे वो यहाँ पे कैसे गए, लाइक आप लोग का फर्स्ट सेम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब देखो, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करने वाले हो, बट प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके इतना तो बताओ कि आप लोग के एग्ज़ाम कैसे गए और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या फिर जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट सेम कैसा गया। ठीक है, बी फार्मा कैसा लगा आप लोगों को, कोर्स कैसा लगा, पढ़ाई कैसी लगी, टफ लगा, ईजी लगा, जो भी चीज़ें थी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आज मैं आप लोग के सारे कमेंट्स देखने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इतना कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड बाकी हम लोग बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है वो हमारा कैसा रहने वाला है, उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट सीखने को मिलने वाले हैं, कैसे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करनी है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारा रिमेनिंग सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का, वो हमारा कैसे कम्प्लीट होने वाला है, कब आप लोग को वीडियोज़ देखने को मिलने वाली हैं, एंड उसके बाद आप लोग को जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड, लाइक हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम आप लोग के बहुत जल्दी होने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जितना टाइम मिला है आप लोग को, उतना ही कम टाइम आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में मिलने वाला है। तो मतलब बहुत ज़्यादा, बस आप 3-4 महीने, यानी कि आप लोग के जुलाई वगैरह में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जून जुलाई में। तो चलो, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे एट लास्ट में। तो आज की वीडियो आप लोग को प्लीज़ ज़रूर से पूरी देखनी है, और अगर मान लो बहुत ज़्यादा बिजी हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट लास्ट के 1-2 मिनट ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के बारे में, तो ये आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर आप लोगों, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया, सेकंड सेमेस्टर के बाद आप लोगों का कंप्लीट 1 साल पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की तरह यहाँ भी आप लोग को 6 सब्जेक्ट ही देखने को मिलने वाले हैं, एंड बिल्कुल सेम जैसा आप लोग का वहाँ पे 4 सब्जेक्ट एक्सटर्नल थे, तो यहाँ पे भी 4 हमारे एक्सटर्नल और 2 हमारे इंटरनल सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं उसका मतलब क्या है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी बेस्ड जिसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यानी जिसका आप लोग का सेंटर वगैरह जाता है, और इंटरनल यानी कि जो एग्ज़ाम आप लोग के कॉलेज में ही कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनके नंबर आप लोग को कॉलेज के थ्रू ही मिलने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। तो बिल्कुल आप लोगों ने जो हमारी HAP हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, तो वो इसका पार्ट 1 था, और यहाँ पे आप लोगों को इसका पार्ट 2 पढ़ना है, जिसके बाद हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि HAP में हमारे लगभग 11 सिस्टम होते हैं, तो हाफ को आप लोगों ने यहाँ पे HAP फर्स्ट में पढ़ा था, बाकी बचे हाफ आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में, जिसके बाद आप लोग की HAP पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड न्यू सब्जेक्ट आ जाता है, बाकी 3 ही सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल ही न्यू देखने को मिलने वाले हैं, सिर्फ 1 हमारा यहाँ पे प्रीवियस से कंटिन्यू था जो कि था HAP। अब यहाँ पे आप लोग की एंट्री होने वाली है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी हमारा फर्स्ट में था, तो फर्स्ट में आप लोग का ये नहीं था, फर्स्ट में था आप लोग का इनऑर्गेनिक, यहाँ पे आप लोग का ऑर्गेनिक। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री, यानी यहाँ से आप लोग को कार्बनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़नी है। अब देखो, मुझे पता है कि केमिस्ट्री से आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारा, मतलब कह सकते हो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से प्रॉब्लम होती होगी, उनको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से डर लग रहा होगा। तो देखो, आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं है यहाँ पे, और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि इसका, इसके अंदर आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग को केमिस्ट्री पढ़नी है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी, तो अभी हम लोग बस सब्जेक्ट के नाम देख रहे हैं, सबके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे हमारे हो गए 4 एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स एंड 2 इंटरनल सब्जेक्ट्स हो गए, जो कि हमारे हो गए इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट्स के नाम तो पता चली गए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने सब्जेक्ट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है HAP 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, HAP फर्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो यहाँ पे उसी का सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमारा यूनिट 1 हो जाती है नर्वस सिस्टम के बारे में।
तो नर्वस सिस्टम, देखो आप लोगों को पता ही है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है और जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। देखो इन सब के बारे में डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है, बाकी यहाँ पे बस एक शॉर्ट में आप लोग इंट्रोडक्शन ले लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो भी खाना वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गए। और एनर्जेटिक्स, यहाँ पे हम लोग कुछ ATP वगैरह की सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग लाइक सांस वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो भी हमारा हेल्प होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी हो गया। फिर यूरिनरी यानी कि जो भी हमारे यूरिन आउटपुट और इनपुट और ठीक है जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो हमें यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम यानी कि जो भी किडनी वगैरह के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। और एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का यानी कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में हमें एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है। बाकी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्शन का काम होता है। और जेनेटिक्स तो यहाँ पे हमें जो है कुछ जीन्स वगैरह यानी कि हमारे DNA RNA इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे HAP, ठीक है। तो HAP के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट है। बाकी यहाँ पे जो हमारे नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे देखो पैथोफिजियोलॉजी, अब ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे नया देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, देखो मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हो, बट अभी थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है, ओके। सो पैथोफिजियोलॉजी देखो बहुत ही शॉर्ट में देख रहे हैं क्योंकि ब्रीफ में तो हमें पढ़ना ही आगे। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखो हम लोग मेनली क्या करेंगे कि हमारी बॉडी में जो भी हमारी बीमारियां हो जाती हैं, यानी सिंपली कहें तो हमें जो भी डिजीज वगैरह हो जाती है, जो भी मतलब कुछ भी डिजीज है, ठीक है, जो भी लाइक हमारा कैंसर हो गया और उसके बाद हमारी लाइक जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक जितनी भी हमारी डिजीज होती हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसमें हम लोग बात करें तो जैसे मान लो हमारा कैंसर है, तो कैंसर हमारे बॉडी के किस ऑर्गन से रिलेटेड होता है, ठीक है, और कैसे कैसे ये डेवलप होता है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। जैसे कैंसर के अलावा हमारी जो भी बीमारियाँ हैं तो वो कैसे हमारी बॉडी में डेवलप होती है, उनका क्या मैकेनिज्म होता है, उनके क्या रीजंस होते हैं यानी किस वजह से वो डेवलप होती हैं और कैसे वो ठीक हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले। वेल, ठीक होने वाली चीज़ें तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट अगर हमें रीजन पता चल गया तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको ठीक भी कर सकते हैं, तो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूनिट वाइज, तो यूनिट वन में आप लोग को देखने वाला सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। तो यहाँ पे हमारे सेल में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं, लाइक हमारी सेल जो जैसे जैसे डैमेज हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा इन्फ्लामेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट टू में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है यानी कि जो हमारा हार्ट वगैरह है, और रेस्पिरेटरी यानी कि जो भी हमारे लंग्स वगैरह हैं, और रीनल सिस्टम है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमारे जितने भी डिजीजेज हैं या फिर डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि इनके अंदर अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हार्ट की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि हाई BP हो जाना और बहुत सारी हार्ट की डिजीजेज होती हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग यूनिट टू के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी देखो एक सिंपल वे में कहें तो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने के लिए आप लोग को HAP पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग को हमारी बॉडी ऑर्गन्स के बारे में ही नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे उनकी डिजीज के बारे में भी नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग को पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने के लिए HAP आना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग मोस्टली जो भी हमारी डिजीज हैं, ठीक है, जो भी वेल नोन डिजीज है आज के दिन में, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा होता है कि आप लोग को सारी बीमारियों के बारे में पता चल जाए कि कैसे वो डेवलप हो रही हैं, ताकि आप लोग को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल सके कि मतलब अगर आप लोग को ये पता चल गया कि वो कैसे डेवलप हो रही हैं तो आप लोग ये भी पता कर सकते हो कि वो कैसे ठीक हो सकती हैं। बाकी यूनिट 3 की बात करें तो हमारा हिमाटोलॉजिकल डिजीज यानी कि जो भी हमारे ब्लड वगैरह से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और एंडोक्राइन, नर्वस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, यानी सिंपल सी बात है कि देखो ये हमारे जो भी सिस्टम्स हैं तो इनके अंदर अगर कोई भी डिजीज हो जाती है तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। बाकी यूनिट 4 की बात करें तो जो हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स की डिजीज हो जाती हैं, बाकी हमारा जो भी कैंसर हो गया और इन्फेक्टियस यानी कि इन्फेक्शन से जो भी हमारा डिजीज हो जाती है, और उसके बाद हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये आप लोगों ने सुन रखा होगा एड्स, HIV वगैरह, ठीक है, तो जो भी हमारे सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज होती हैं तो उन सभी के बारे में हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। तो सिंपली ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में हमें लगभग सारी तरह की डिजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो सब लोग समझ गए होंगे आप लोग। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब देखो बायोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत ही ब्रीफ सब्जेक्ट है, बाकी इन शॉर्ट अगर आप लोगों से बात करें तो ये समझो कि हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एनर्जी का सोर्स क्या होता है आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, ATP। तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में ATP का सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी में ATP का फॉर्मेशन होता है,
उसी को हम लोग पूरी बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी एक सिंपल वर्ड में बात करें तो आप लोग कुछ भी खाते हो, ठीक है, आप लोगों ने कुछ भी खाया तो कैसे उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, कैसे हमारी बॉडी उससे पूरा पूरे दिन हमारे जो भी हमारे काम होते हैं उनको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट वन की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है बायो मॉलिक्यूल्स और फिर हमारा आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स। अब देखो बायो मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और हमारा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के बारे में। और देखो ये जो यूनिट 2, 3, 4, 5 है ये पूरी की पूरी हमारे इन्हीं की डिटेल में, यानी सिंपली समझो कि यूनिट वन में जो भी हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, चार हमारे मेन बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं चारों के बारे में डिटेल में आप लोगों को आने वाले यूनिट में पढ़ना है। जैसे यूनिट टू में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही डिटेल में। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारा एक टाइप का बायो मॉलिक्यूल है, समझ गए, मतलब ये देखो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और ये हमारा जो भी अमीनो एसिड है ये सारे हमारे बायो मॉलिक्यूल्स के ही टाइप है। यानी इसी के अंदर जो भी हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को डिटेल में आप लोगों को आने वाली यूनिट में पढ़ना है। यानी जो हमारी यूनिट 2, 3, 4, 5 है ये सारी की सारी हमारी कहीं ना कहीं हमारे यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो यूनिट 1 अगर आप लोगों को आगे की यूनिट पढ़नी है तो यूनिट 1 आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे यूनिट 1 होगा हमारा बायो मॉलिक्यूल्स और उसके बाद यूनिट 2 हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो गया, फिर हमें यहाँ पे लिपिड्स के बारे में पढ़ना है, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, मतलब बेसिकली हमें इनके मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो इन शॉर्ट अगर समझो तो मेटाबॉलिज्म हमारी वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा इन सबसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी जब हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तभी हमें एटीपी देखने को मिलती है, ओके। बाकी इन डिटेल में आप लोग को पढ़ना ही है तो आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे। और यूनिट 4 की बात करें तो हमारा न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यूनिट 5 में हमें एंजाइम्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। और फिर हमारा आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि हमारा हो जाता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। अब चूंकि आप लोग यहाँ पे 1 देख रहे हो यानी कि इसका मतलब है कि इसके आने वाले पार्ट्स भी हमें आने वाले सेमेस्टर में पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देखो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब देखो मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग होंगे जिनका केमिस्ट्री का बेस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगा या फिर अच्छा नहीं होगा। अब देखो मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों को बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी आती होगी, नो डाउट। बट देखो जिनको भी यहाँ पे केमिस्ट्री से आज तक डर लगता रहा है या फिर जिन्होंने भी केमिस्ट्री आज तक बिल्कुल नहीं पढ़ी है, देखो मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि आप लोग एक बार थोड़ा सा भरोसा करके, हम लोगों ने केमिस्ट्री की बेसिक्स से लेके बेसिक सीरीज पे 3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप बस इन 3 वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग को केमिस्ट्री टफ लगी तो आप लोग बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद गारंटी है कि आप लोग को केमिस्ट्री टफ लगेगी नहीं, क्योंकि हमारी बी फार्मा में जितनी भी केमिस्ट्री कवर होने वाली है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी इन 3 वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, यानी कि कैसे हमारी केमिस्ट्री कैसे है, ठीक है, और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस 3 बेसिक पार्ट में कवर कर रखे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बस इन तीन वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप लोग का जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी। तो बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है, बस आप लोग पेशेंस के साथ इन 3 वीडियो को देख लेना, आप लोग का केमिस्ट्री बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी, ओके। सो यहाँ पे हमारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, तो यहाँ पे हमें देखो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो हमें इसके 3 पार्ट पढ़ने हैं आने वाले सेमेस्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है POC फर्स्ट, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर में। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब देखो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ही पढ़ी हैं, ठीक है, अब कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से पढ़नी है। यानी कि कुछ नया नहीं है, इतना कुछ नया नहीं मिलने वाला, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है 11th 12th में बस वही सारी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है। और बाकी हमारा आइसोमेरिज्म ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एल्केन्स कॉन्जुगेटेड डायन्स, ये सारी चीज़ें भी आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे। नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हम लोग जान लेंगे। बाकी हमारा अल्काइल हैलाइड्स हो गया, अल्कोहल्स हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि जो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप लोग को बहुत ईजी लगने ही वाला है, नहीं भी जानते हो तो इस बार जान जाओगे, सिंपल बात है, ठीक है। और यूनिट 4 की बात करें हमारा तो हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिफैटिक अमीन्स। तो कुल मिला के ये सारी हमारा जो भी हमारा सेकेंड सेमेस्टर है उसका सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे 4 मेजर एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स हो गए,
लेकिन यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी है वो हमारा HAP2 से कनेक्टेड है, मतलब HAP2 और HAP1 दोनों से ही कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग को पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पढ़नी है तो सबसे पहले आप लोग को HAP अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इससे कनेक्टेड है। और ये जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है ना, ये हमारा HAP और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे दोनों वर्ड आ गए। पहला आ गया केमिस्ट्री, तो हमारा केमिस्ट्री से हो गया, और बायो तो आप लोग को पता है भाई HAP हमारा बायोलॉजी का ही तो पार्ट है, यानी कि हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है ये हमारा बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा HAP और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग को HAP और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के आप ये समझो कि आप लोग को चारों ही सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर कोई आपस में कनेक्टेड है। और इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, और जो हमारा HAP है, ये दोनों आपस में मिलके आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं हमारे फार्माकोलॉजी में, जो कि हमारी फार्मेसी की कह सकते हो कि सबसे मतलब फार्मेसी की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्माकोलॉजी, या फिर कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब कह सकते हो कि एक्चुअल फार्मेसी हमारी फार्माकोलॉजी में ही है। तो फार्माकोलॉजी जो कि हमारी फार्मेसी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी और HAP बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और फार्माकोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है हमारा 4th, 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, इसके 3 पार्ट। और बाकी हम लोग बात करें अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को 3 पार्ट पढ़ने हैं, POC 1, POC 2 एंड POC 3, जो कि आप लोगों को यहाँ पे हमारा आगे चल के मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर काम देंगे, ठीक है। तो हमारा POC 1 आप लोगों को पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, POC 2 बिल्कुल 3rd सेमेस्टर में, और POC 3 हमारा 4th सेमेस्टर में। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, जो कि हम लोग अगर थोड़ा सा अपने चैनल की बात करें तो यहाँ पर देखो जो हमारा HAP सेकंड है, तो उसकी हमारी जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ये हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट है। देखो जिसमें भी हम लोग बात करें तो यूनिट 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट है, मतलब यूनिट 1 में तो कोई टॉपिक छूटा ही नहीं है। बाकी यूनिट 2 और यूनिट 3 क्या है कि इसको हम लोगों ने 1 शॉट में कंप्लीट किया है। तो कुछ हमारे जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही कम या फिर कभी पूछे ही नहीं गए, उनको हम लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दिया। बट यहाँ पे डेफिनेटली इस बार हमारा प्लान है कि हम लोग यूनिट 2, यूनिट 3 को दोबारा से रीऑर्गेनाइज फॉर्म में आप लोग को देने की कोशिश करेंगे, कोई पूरी गारंटी नहीं है। बाकी अगर यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 की बात करें तो वो लेक्चर्स आप लोग को बहुत ही जल्दी मोस्ट प्रोबेबली 1 मई से आप लोग को जो भी हमारा रिमेनिंग सिलेबस है वो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमारी यहाँ पे 3 यूनिट कंप्लीट है, इसमें भी हम लोग को 2 यूनिट कंप्लीट करानी है। और POC 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारी मोस्ट लगभग 4 यूनिट कंप्लीट है, इसमें हम लोग को लास्ट की 1 यूनिट कंप्लीट करानी है। और पैथोफिजियोलॉजी में हमारा काफ़ी कम सिलेबस कंप्लीट है, इसमें सिर्फ हमारी 2 यूनिट ही कवर है, जिसमें से सेकेंड यूनिट में भी थोड़े से टॉपिक्स छूट गए थे, तो इसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से कवर कराना है। तो देखो अगर एक सिंपल वर्ड में आप लोगों से बात करें तो यहाँ पे 1 मई, ठीक है, 1 मई से प्रोबेबली आप लोगों को फर्स्ट जो भी हमारा सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, तो उसके रिमेनिंग चैप्टर्स या फिर यूनिट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, हमारा पूरा ट्राई रहेगा। और बाकी यहाँ पे देखो जो भी हमारे अपडेट्स हैं, ठीक है, जो भी अपडेट्स वगैरह वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड किया ही जाता रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो जो आप लोग को करनी है कि सबसे पहले तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा जो है जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल जो कि हमारा 2023 और 2024 बैच है, ठीक है, यानी जो आप लोग का बैच है उसके लिए हम लोगों ने अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिया था। तो आप लोग उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक हमारा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें तो देखो जो भी आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कई सारी यूनिवर्सिटी के तो जून में ही हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से कुछ के बहुत ही रेयर ऐसे होंगे जिनका मई में भी हो सकता है। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटी है उनके एग्जाम आप लोग के जुलाई में जरूर, मतलब जुलाई में आप लोग के एग्जाम होने ही हैं, इतना आप लोग समझ के चलो। तो कई लोग थे जिनको यहाँ पे 1st सेमेस्टर में लगभग 6 से 8 महीने का टाइम मिल गया था, लेकिन इस बार आप लोग को 2nd सेमेस्टर में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का टाइम देखने को मिलने वाला है। तो यानी आप लोग को अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। और बाकी यहाँ पे इन शॉर्ट आप इतना समझो कि 2nd सेमेस्टर आप लोग के आने वाले जो भी हमारा सेमेस्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी लाइक मजाक में लेने की गलती मत करिए। और देखो यहाँ पे कोशिश करो कि चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ो, ठीक है, मतलब लाइक आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। देखो अभी अच्छा लग रहा है आप लोग को, बट ये चीज़ आप लोग के लिए लॉन्ग टर्म में नहीं अच्छी होने वाली है। तो कोशिश करो कि आप लोग जो है पहले से ही मतलब चीज़ों को पढ़ो और डिटेल में पढ़ो।
बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो, ऑल्दो हमारी जो मोस्ट ऑफ दी वीडियो है, यानी कि हमारा लगभग 3 यूनिट तक सभी सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग डेफिनेटली वीडियोस तो देख ही लेते हो, बट कोशिश क्या करो कि आप लोग कोई भी वीडियो देखो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया जरूर करो कि आप लोग को वीडियो में कुछ भी कमी लगी, या फिर जो भी चीज़ें लगी, या फिर जो भी चीज़ें इंप्रूव करनी है, तो आप लोग प्लीज़ हो सके तो बता दिया करो, ताकि आप लोग बताओगे तो हम लोग और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग की और भी जो भी डिमांड्स हैं, आप लोग जो भी चाहते हो, ठीक है, तो उसको भी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, और हम कंटिन्यू इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग को यहाँ पे अपडेटेड नोट्स भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जो भी हमारी नोट्स थी वो थोड़ी सी अपडेट कर दी है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और बाकी अगर कुछ भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी अगर कोई चीज़ बच गई है जो हम लोगों ने नहीं कवर करी है, तो उसको भी आप लोग बता सकते हो, और कुछ भी, जो भी आप लोग का जो भी मन है, बट आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके कुछ ना कुछ बताया करो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग एक इंट्रैक्शन बना रहता है, तो आई होप कि आप लोग समझोगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।